बाहर जा रहे थे पढ़ने, हाँ, तीन चार को मिल के बुलाया उधर वाली गली में, फिर मार पीट किया, फिर मार। और कितने लोग थे? नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में लगातार सुशासन की बात कही जाती रही है, उससे भी आगे बढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की राज की बात करते हैं, लेकिन उसी सुशासन और जनता की राज में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और आए दिन अपराधियों को, अपराधी घटनाओं को घटित करते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन ना हो जब बिहार में अपराध की घटना ना घटती हो। ताज़ा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास की है, जहाँ पर एक युवक जो कि पढ़ाई करने जा रहा था, उसी युवक को गोली मार दी गई है। हालांकि घायल अवस्था में उस युवक को प्राथमिक उपचार के लिए फतुहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है, लेकिन उसे बेहतर इलाज के लिए फिर पटना के PMCH रेफ़र कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में जानकारी यह मिली है कि मोहम्मद चांद नाम का युवक जो खुसरूपुर का रहने वाला है, वो फतुहा स्टेशन रोड पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तभी 5-6 की संख्या में कुछ युवक जो हैं उसको बुलाते हैं और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। तत्पश्चात उसके बाद जो है उसे गोली मार दी जाती है, लेकिन जो युवक के दाहिने शोल्डर में लगती है। हालांकि गोली लगने के बाद जो है युवक वहीं पर घायल अवस्था में गिर जाता है और फिर उसे प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता है, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे पटना के PMCH बेहतर इलाज के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। हालाँकि इस घटना पर मोहम्मद चांद, घायल युवक जो मोहम्मद चांद है, उसने बताया कि पढ़ाई करने जाने के दौरान जो है कुछ युवक जो हैं 4-5 की संख्या में मौजूद थे और उन्होंने उसे बुलाया और उसके साथ मारपीट की और उसके बाद जो है उसे गोली मार दी। हालांकि उस युवक ने उन हमलावरों को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन फतुहा पुलिस की पेट्रोलिंग की कलई इस घटना के बाद से खुल गई है कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित की गई है और पुलिस को इसका पता तक नहीं चल पाया। फिलहाल इन दिन दहाड़े इस घटना से पुलिस की पेट्रोलिंग की कलई खुलकर रह गई है, जहां अपराधी दिन में ही अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद हथियार लहराते हुए भाग निकलते हैं। फिलहाल इस मामले की पुलिसिया जांच की जा रही है, लेकिन हम छोड़े जा रहे हैं घायल युवक मोहम्मद चांद के बयान के साथ, जिसमें आप सुने कि घटना को किस तरह से घटित किया गया है। रजनीश यादव, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना। बाहर जा रहे थे पढ़ने, हाँ, तीन चार को मिल के बुलाया उधर वाली गली में, फिर मार पीट किया, फिर मार। और कितने लोग थे? 5-6। दोनों के हाथ में हथियार था? नहीं, एक। कितना गोली चलाया? एक गोली। पहचानते हो उन लोगों को? नहीं। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? चांद। घर? घर खुसरूपुर। ठीक।